अच्छी तरह सारा कुछ साफ कर दिया। नहीं करना ही करना ऐसा कुछ भी, इसको साफ होने दो बस। हिबा हम इनको ये कह सकते हैं ऐसी दिन रख रख दो आकर। कैसी थी मैं, कैसी हो गई? हम इंसान को किसी जगह नहीं छोड़ेंगे। दिखाते हैं ऐसा कि इंसान ना फ्रिज में बैठ के कुछ भी खाए। कैसे आप सब करते हैं? सब खैर खैर के साथ होंगे, बिल्कुल ठीक हो। जुमा मुबारक आप सबको। बस अभी सुबह उठे, अभी उठ के जल्दी सब पहुँचते अपने घर। सिस्टर इतना फोर्स करिए नाश्ते के लिए, हमने कहा नाश्ता बिल्कुल नहीं करना, अम्मी घर के रही है, अम्मी के पास जाना है। अम्मी के पास निकलते हैं, उधर जाके आप जी जो भी चैनल पर नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शादी के बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले न्यू व्लॉग का नोटिफिकेशन को बर्बाद मिल जाए, कोई भी व्लॉग आप मिस ना करें। इस चैनल पर मिलने वाले आपको दुनिया के मोस्ट रियलिस्टिक व्लॉग, जिसमें कोई ड्रामेबाजी नहीं, कोई फेकनेस नहीं है, एक सिंगल मदर के रियल स्ट्रगल रियल लाइफ आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 20 मिनट्स लेटर अब यहाँ पे हम नाश्ता फटाफट लेकर घर पहुँचेंगे। दादा खोला बाहर यूनिट चेक करने के लिए, और लोग ऐसे देखते हैं, पता नहीं हमको चोरी कर रहे हैं। इतनी टेंशन डाल दी है गवर्नमेंट ने कि बस बस बार बार मीटर चेक करते हैं, जितने यूनिट जल गए कितने यूनिट जल गए। भाई जी हम जो नाश्ता लाए हैं, चने मिल रहे थे, मैंने हलीम का माइंड बनाया था, क्योंकि टाइम ऐसा था चने मिलने नहीं थे, फिर मैंने हलीम का माइंड बनाया, चने अवेलेबल थे, पर मैंने चने लेने हलीम लिया, नान लिया, हम नाश्ता कर रहे हैं। मज़े वो मज़े। टू आवर्स लेटर इसने, ये मेरी लाइफ का फर्स्ट व्लॉग है, मुझे अभी लगा व्लॉग ही बात, पुराने व्लॉग देख रही थी तो मैं देख रही हूँ कि मेरा फर्स्ट व्लॉग मैं पहले कैसी हुआ करती थी। अभी आएगा, अभी आएगा। और मेरा तो सोच सोच के कैसी लग रही हूँ, आपका क्या हाल है? अब गर्मी से तो ऐसे सत्यानाश है, पर पहले कितनी प्यारी थी ना, फिर क्या हो गया मुझे, लगता है नज़र लग गई है। खुश कितनी है इबा, इबा बहुत खुश है। और अम्मी शीशे से देखना चाह रही है, ये शीशे तो देख रही है, टीवी नज़र आ रहा है, ये देखिए। हाँ अब इधर बैठी थी, बाजी किधर से उठे? ये मेरे पहला व्लॉग है, तब बहुत सोच समझ के बोलना पड़ता था। ऐसी बात है, कैमरा के आगे वो कभी एक्सपीरियंस नहीं था कुछ बोलने का, इस वजह से तो पहले भी ज़्यादा ही बोलती थी। देखो कितनी मैं कितनी भेज रही, वैसे लग रहा है कि ये 2 साल पहले की वीडियो है, लग रहा 100 साल पहले की कसम, तो 2 साल में इतना चेंज। ले रमज़ान से जिदी सर रमज़ान आया है ना, मतलब उससे इस रमज़ान को उससे पहले हमने स्टार्ट जब किया है 2022 में, चाहिए 21 में किया, 21 किया मेरा ख्याल है, 22 में किया रमज़ान में स्टार्ट किया हमने। हिबा 21 में साल की हुई थी, सितंबर में, सितंबर अक्टूबर हमने 22 में स्टार्ट किया, व्लॉगिंग 22 में स्टार्ट किया, और 22 में रमज़ान से 3-4 दिन पहले की बात है, ये हफ्ता पहले के व्लॉग होगा जो डालने की हिम्मत मेरी 3-4 दिन पहले हुई थी जब मैंने स्टार्ट किया। और अब उसकी टुकल और तब की फौरन कर लेनी चाहिए, गर्मी से बुरा हाल है, अब तभी ऐसी गर्मी थी, क्या वक्त कितना इंसान को बदल देता है। वैसे उस वक्त करती ना कोरोना के दौर में व्लॉगिंग स्टार्ट, तो आज मैंने बहुत फेमस, हाँ वायरस की तरह सब कुछ छुपा देना था मैंने, जैसे लोग हाँ ऐसे ही है, तो उस वक्त ये था मुझे पता ही नहीं था, ये तो आपकी करम नवाजी, आपने मुझे यूट्यूब का बताया तो मैं यूट्यूब पर आई, ये तो मुझे यूट्यूब का पता था। आपको पता है मैंने 1.5 लाख रुपये डुबोया ये इनेबलर्स में, फिर 1.5 लाख ही लाख लगा लो, 50,000 लगा लो, जो उनको फीस दिए, लैपटॉप तो मेरे अपने पास है, लेकिन बिल रेंट भी तो पे किया आने जाने का, सब कुछ है, और रिक्शा लगवाया था। रेंट को छोड़ दो, आप फीस लगा लो जो फीस वेस्ट की है, क्योंकि लैपटॉप तो अपने पास है, 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट की इसलिए कि घर बैठ के कमा सकूँ, बट उसमें क्या मिला, नकामी नकामी नकाम बस। तो यूट्यूब पर आके कामयाबी मिली, बट यूट्यूब की कामयाबी इतनी थी कि मंथली इनकम नहीं थी, तो इस वजह से मुझे यूट्यूब को स्किप करना पड़ा, छोड़ना पड़ा, एक ब्रेक देनी पड़ी, ताकि मैं कुछ अर्निंग कर सकूँ। अल्लाह का शुक्र अब अर्निंग भी साथ साथ है, अब यूट्यूब भी साथ साथ है, तो अब इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, अब इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। आप लोगों की सपोर्ट चाहिए इंशाल्लाह। और ये बच्चा भी जो मैं जब शूट कर लगी तो उसकी सीन ही मिस हो गया, अब आएगा हो जाओ, अभी हिबा आएगी, हिबा आएगी, हिबा अभी आप आओगी,
थी पाली पाली सी। आज 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 आ भी जाओ अब। ये कितना वाला बच्चा, प्रोटोकॉल चेक कर। वही मैं कह रही सेलिब्रिटी फील आ रही, तब भी वही कह रही वो सेलिब्रिटी की तरह उसको ट्रीट करते कि जूस पिलाने के अलग, पंखे खिलवा देंगे, शूट के अलग। तीन तीन तो से बंदे रखे हुए हैं। इबा ऐसे करती थी आप, इतनी लाडो इतनी। और कैसी थी मैं, कैसी हो गई हम इंसान को किसी जगह नहीं छोड़ेंगे। और यहाँ पे अब मैं बना रही हूँ बिरयानी। प्याज ऊपर रखा है जस्ट अभी, और चिकन बिरयानी रेडी करते हैं। और फिर मिलते हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, शूट नहीं होना जी, बहुत गर्मी है, बहुत बुरा हाल है। यहाँ पे जो है ना वो मसाला जो सा चिकन के तहत रेडी हो गई है। अब चावल बॉयल करने रखते हैं, उतने इसको हल्की आग पे मैंने बिल्कुल रख दिया ताकि ये अच्छी तरह गल जाए। यहाँ पे जो है ना ये चावल वो बॉयल हो गया, अब तह लगाते हैं फटाफट से, तह लगाते हैं और बिरयानी तैयार करते हैं। यहाँ पे साथ में पकड़ा तवा रख दिया। यहाँ पे जो ना बिरयानी रेडी होगी, पुलावनी बिरयानी रेडी है, हम खाने लगे हैं। 20 minutes later. आ गए? ओके, आ जाइए बा। कहाँ जा रहे हो? कोनेटो लेने? नहीं चलेगी, कुल्फियाँ पकड़ा के कोनेटो लेने। वो जो खोए वाली कुल्फी पूरी धुएँ चेक करें, नज़र आ रहे हैं मुझे तो, आ रहे हैं कैमरा में भी नज़र। बादाम किस तरह देखे हैं आप, मज़े दिखाते हैं। सही बात है, बाटी चीज़ नहीं मेल्ट होती है, बहुत जल्दी मेल्ट होती है। आप लोगों का भी दिल कर रहा है ना कुल्फी खाने को, तो खा लें, कौन सी देर लगती है। अब जो टाइम हुआ ये गर्मी बहुत ज़्यादा है, एसी की सर्विस करवानी है, क्योंकि एसी की सर्विस मैंने नहीं करवाई हुई और एसी बहुत बहुत ज़्यादा गंदा हुआ है, कूलिंग नहीं कर रहा। हाँ जी ओके ठीक है, खोलती हूँ मैं आपको घर की। ये कैसे होती है अब ये देखते हैं हम। A few moments later. और यहाँ पे जो है ना आधा काम तकरीबन कंप्लीट हो गया होगा, गंद काफ़ी ज़्यादा पड़ गया। हमारे सामने ऐसे कितना नाइस बनाते, कितना खूबसूरत हम उसके इसलिए निकले, अंदर से कैसा होता है। हाँ बेटा सोने का हो गया, पहले गोल्डन नहीं था, पहले वाइट था। हाँ अब गोल्डन हो गया, हाँ डाई कर दिया। एसी की फिटिंग हो रही है, ये टाइम है फिटिंग होने का, अभी आउटर साफ होना है, उसके बाद कुछ होगा, अभी फिटिंग हो रही है। अब मैं इनको ये कह सकते असी तो एसी दी रख रख दो वाकफ है। 20 minutes later. नहीं करना, ही करना ऐसा कुछ भी, इसको साफ होने दो बस। हिबा क्या आउटर को साफ होने दो मेरे बच्चे, ब्लॉग में आ रही है। लड़की को बस मौका चाहिए होता है, है ना हिबा। हिबा डोंट डू दिस यार, हिबा कपड़े गीले हो जाएंगे सारे। 2000 years later. आगे भी बोल दो, कमेंट करके बताएं, कमेंट करके बताएं। हिबा मैडम अभी तक सोई नहीं, क्योंकि मैं अभी जस्ट काम करके फ्री हूँ, टाइम हो रहा है 3 बजे का, ऐसी सर्विस करवाई है। रात को भाई ने टाइम दिया रात को आई सर्विस करने के लिए, सर्विस के बाद ये कलीन जो था मेरा गंदा तरीन, हर चीज़ गंदी, तो कलीन निकाल के रखा नीचे गैरेज में धोने के लिए। बाकी जो वॉशरूम का हाल था अल्लाह ही माफ़ करे,
के वॉशरूम इस कदर गंदा गलाजत भरा कर दिया था, सारी क्लीनिंग की है और एक एक चीज धोई है, साफ की है, और वॉशरूम की ये हालत है कुछ। अब शक्ल पेंट को इग्नोर कीजिए क्योंकि पीछे घर में लॉन है और उनके हमारी घर की दीवार सिंगल ईंट की, उसके बाहर प्लस्तर नहीं है तो वो बारिश होती है बहुत ज्यादा असर होता है, तो पेंट का ये हाल है। पेंट करवाने वाले हुए घर में तो इंशाल्लाह बहुत बड़ा बजट है पेंट का जो होगा, पानी वाला खा रहा है जिसकी वजह से खारे पानी के निशान पड़ जाते हैं। वैसे मैंने पूरी कोशिश की अच्छी तरह साफ सुथरा रखने की, अच्छी तरह सारा कुछ साफ कर लिया। One hour later. Finally, ही पास हो गई हुई है, एसी की कूल सर्विस हो गई है, कूलिंग बहुत मजे की हो गई है। कल सिस्टर के घर जब नाइट स्टे किया तो मुझे आइडिया हुआ मेरे एसी कोई प्रॉपर कूलिंग नहीं कर रहा, यूनिट भी बहुत ज्यादा खराब, बिल भी ज्यादा आ रहा है। तो फिर मैंने बैठे हुए ना शाहजेब से पूछा, मैंने कहा कि अगर एसी सर्विस ना हो, एसी गंदा हो तो ज्यादा बिजली लेता है, उसने कहा ऐसे ही है। अब मैंने कहा फिर सर्विस करवाने वाली, मैंने पिछले साल भी नहीं करवाई, तो उसने कहा कंजूसी की थी तब भुगत। अब फिर फ़ोन किया सर्विस वाले को, एक मेरे रेफरेंस से था, उसने 2500 रुपये मांगा और जो शहजेब ने बुलाया उसने कहा 1500 रुपये ले ले आ जाओ, आ गया 1500 रुपये में सर्विस कर दी, इलेक्ट्रिसिटी हमारी थी, पानी हमारा था, मेहनत ही थी उनकी बस, तो 1500 रुपया दिया, सर्विस हो गया और A1 हो गया, इतना गंद निकला एसी ठीक हो गया। अब आई होप कि बिजली भी कम लेगा और कूलिंग अच्छी है, कूलिंग बहुत अच्छी है। और इस टाइम बारिश हवा चल रही, लगता है बारिश होने का मौसम है और टाइम हो गया 4:15 का और बहुत अच्छा मौसम है। व्लॉग को एंड करती हूँ और आज की जो भी रूटीन थी आप लोगों से शेयर हुई है, आज के व्लॉग आपको कैसे लगा, अच्छा लगा लाइक कर दें, कुछ सेशन का सेशन जरूर बताएगा। कल एक न्यू व्लॉग के साथ फिर से मिलूंगी, चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करना, चले कल न्यू व्लॉग से मिलते हैं, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।